अब मैं इससे क्या काम कर रहा हूँ कि ये मेरे पास ही रहे और इसे पता भी ना चले कि मैं इससे जानबूझ के ये सब करवा रहा हूँ। अरे काम क्या है बताइए। काम है ना, बहुत सारा काम है। काम अच्छा मुझे बताओ कि मेरी सबसे पहली मीटिंग कौन सी? हाँ ये आज पहली मीटिंग। आप और तुम बार बार झुक क्यों जाती हो? अरे आप ऐसे बात करेंगे तो झुकती नहीं रहूंगी। अरे मैं तो पूरब से ऐसे ही बात करता हूँ, कभी कभी खुशी में ना उसे पंच भी दे देता हूँ। नहीं, दूर रही। दूर क्या है ये? पूरब मुझसे दूर नहीं रहता, ऐसे पास रहता है। अरे तुम हाँ ऐसे रहो। हाँ तो वैभवी वीवर, ये आपकी पहली मीटिंग? हाँ पहली मीटिंग। तो मेरी पहली मीटिंग कौन सी है? यहाँ आपकी पहली मीटिंग। व्हाट इज दिस आप वाप मैन? अभी मुझे अभी नहीं सॉरी पूरब मुझे अभी कह के बुलाता है, तो तुम भी मुझे अभी बोलो। मैं आपका नाम कैसे ले सकती? पंगा लिया है ना, तो अब तो निभाना पड़ेगा ही। बोलो अभी, बोलो अभी। अभी तुम्हारी तुम्हारी मीटिंग एह, तुम्हारी नहीं तेरी। पूरब मुझे तेरी कहकर बोलता है, बोलो अभी तेरी। अभी तेरी तेरी गाली मत देना। अभी तेरी पहली मीटिंग प्रोड्यूसर के साथ है, एल्बम के प्रोड्यूसर के साथ। ओ इसका मतलब उसके लिए कॉन्फ्रेंस करना होगा नहीं? हाँ तो मुझे रेडी होकर आना पड़ेगा। हाँ रेडी होने में मेरी हेल्प कर दो। रेडी होने में मैं क्या हेल्प करूंगी? देखो हर इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए ना पूरब मुझे अपने हाथों से रेडी करता था, तो अब तुम भी मुझे अपने हाथों से रेडी करो। कम ऑन पूरब रेडी करता था। बताओ तो बताइए क्या पहनना पसंद करेंगे आप? आज का डे कौन सा है? आज वेडनेसडे। ओ वेडनेसडे, गुड। तुम्हें दिन तो याद है? लग गई। देखो जब मैं पूरा से बात करता हूँ ना तो हम ऐसे एक दूसरे को टपटपाते हैं और डिस्कस करते हैं, उसे आदत हो गई है, शायद तुम्हें नहीं होगी, है ना? चलता है। वो अब क्या हुआ, लगी क्या? नो नॉट एट ऑल, मर्द को थोड़ी ना दर्द होता है। देखिए क्योंकि मैं पूरब हूँ तो मैं तो कुछ जानती नहीं, लेकिन क्योंकि मैं पूरब हूँ इसलिए मुझे लगता है कि वेडनेसडे के दिन आपको ब्लू पहनने का मन करता है। ब्लू परफेक्ट, मैं ब्लू पहन लूंगा। ब्लू में क्या पहनेंगे? ब्लू शर्ट, ब्लू कॉलर और बहुत सारे बटन्स। मैं पूरब हूँ या प्रज्ञा, शर्ट क्या चीज होती है मुझे पता है। शर्ट के साथ और क्या पहनेंगे? मैचिंग शूज, मैचिंग सॉक्स और फटे हुए पैंट्स। और बस उसके अलावा क्या पहनूंगा? जैकेट, लेकिन वो तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं, वो मेरे लिए सिर्फ फुगी निकालती है। तो डन, मेरे कपड़े तैयार रखना, मैं बस दो मिनट में नहा कर इसमें से देख लेना कुछ है, अच्छे हैंडकरचीफ मिल जाए तो वो भी निकाल लेना। नहीं नहाने में भी मैं मदद कर देती हूँ, मतलब टॉवल कौन सा यूज करेंगे आप? अरे टॉवल का क्या है, टॉवल तो कोई भी ले लूंगा, उसमें चूज करने वाली कौन सी बात है। लेकिन अगर पूरब पूरब नहाने में मेरी मदद करना चाहता है तो फिर कर लो, पीठ पर थोड़ा साबुन लगा लो, क्या हाथ नहीं पहुंचता, उसके बाद घसेंगे ना साबुन को चोक से। नहीं 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 नहीं, आज पूरब का मन नहीं है, कल पूरब आपकी पीठ घिस देगा। क्यों? आज में क्या प्रॉब्लम? आज वाले पूरब को मन नहीं है, कल मैं घिस दूं? नहीं आप जाके नहा लीजिए, प्रोड्यूसर्स के बार बार फोन आ रहे। पंगे वाली साले ऊपर के चढ़ रहे हो भाई साहब, कड़े हैं दिशा भाभी। भाई जी वो पूरब का है, पूरब वो सामने। भाई साहब आप बस हुक्म करो, दोनों को घसीट के यहीं लेके आएंगे। हाँ बाजी, पिछली बार इस पूरब के दोस्त अभी ने बहुत तंग किया था ना, इस बार तो गिन गिन के बदले लेंगे। आप बस भाई साहब हुक्म करो, इस पूरब ने ऐसा मारेंगे भाभी जी उसे पहचानने से इनकार कर देंगी, उसके बाद बस आप ही आप दिखोगे। चुप कर, साले ताली तो मारी ना जाती तुमसे, बकवास मारे जा रहे हो। मुझे मुझे ताली मारनी आती है भाजी, आपको करे। रे धर्मे मारी टांग खींचेगा तू, मारे आप में लड़ना बंद करो तुम लोग।
तू यहाँ मेरे साथ खड़ा हो और तू चल जा पूरब की गाड़ी देख जाके। भाजी वो काली पीली गाड़ी तो टैक्सी है ना? पर अक्सर अभी का दोस्त है वो टैक्सी में आ गया, वो उसके बगल में जो गाड़ी खड़ी है वो पूरब की गाड़ी है, दिखी ना? हाँ भाजी हाँ दिख गई, गाड़ी दिख गई। तो फिर जाओ उधर अपनी चोर चाबीन कर और गाड़ी में घुस जा जाके। भाजी हम यहाँ पे दिशा पूरब को ढूंढने आए हैं या फिर ये गाड़ी वाड़ी चुराने? भाजी अब ये किस लिए था? अपनी भाभी का नाम इज्जत से ना लिया जाता तुझसे, दिशा भाभी ना बोल सकता तू है? जी भाजी, भाजी ये बात तो समझ में आ गई लेकिन ये गाड़ी में बैठने वाली बात ये समझ में नहीं आई। अरे साले निकम्मे हो तुम सब लोग, पर अगर पूरा मेरे हाथ से निकल भागा तो अपनी गाड़ी में घुसेगा ना तो उधर होगा तू, अपनी गन निकाल के ठोक दी उसने। क्या बात है भाई जी का दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता है। आराम से बजा रही की। अरे मूर्ख भाई साहब का दिमाग तो कंप्यूटर से तेज चले है पर तारा कछुए से भी धीरे चले है। चल जा अभी जो भाई साहब ने बोला वो जाके कर। ए सुन जरा गन है तेरे पास? हाँ है ना, है ना भाई जी। ये है ना बाजी, अपनी गन। शाबाश शाबाश। अब क्या हुआ मुंह के बना रहे से? अजी वो इसकी गोलियां तो मैं घर पे भूला है। साला अरे मेरी सुपारी दे रखी है तुम लोगों ने के हैं? रास्ते में गैंगवार होगी तो गोली तेरा बाप चलाएगा। हाँ भाजी अगर इसमें गोली भर के रखूंगा ना तो आप आते आते 8-10 लोग को तो टपका ही दोगे, इसलिए नहीं रखता भर के। बात तो ठीक कह रही है छोरा। ए साले अगर मेरे पास गोलियां हुई ना सबसे पहले तुझे नहीं रोकूंगा मैं, समझ में आया? ए बल्ली गंदे से अपनी ले रख, मारी पिस्तौल वाली है ध्यान से और ये मारे को दे, मैं गोलियां डाल लूंगा इसमें। अब सिद्ध दिल में ठोकना दिल में, बहुत दिल दुखा साले ने मेरा। दिल पे मारूंगा। अब आगे का क्या प्लान सोच रखा है आपने? बस सोचना क्या है, अपनी हार का बदला लेना है मैंने। वैसे तो संग्राम सिंह चौटाला ने कोई चीज पसंद ना थी और अगर पसंद आ जाए तो वो उसे छोड़ता ना है। जैसे पूरब दिशा ने मेरे फेरों से उठा के ले गया था ना वैसे ही पूरब ने मार के मैं दिशा ने उठा के ले जाऊंगा, उठा के ले जाऊंगा। अरे पूरब जी अभी तो बहुत सारी शॉपिंग बची है, यहाँ चले क्या? अरे एक मिनट, नहीं यहाँ पर तो देख ही लिया। अरे वहाँ तो आप इधर चलिए, आप आराम से आराम से घेर मत। बड़ा मजा आ रहा है। अभी जब तुम मेरी बाहों में गिरी तो मुझे अपनी सी लगी, लेकिन थैंक यू बोल के ऐसा लगा कि हम एक दूसरे को जानते नहीं। सॉरी अगली बार नहीं बोलूंगी। आज के बाद मैं तुम्हें कभी मौका ही नहीं दूंगा। मतलब यहां बैठो, तो मतलब ये है कि अगली बार मैं तुम्हें संभलने की बजाय गिरने दूंगा। आज हम लोग जितना एंजॉय कर रहे हैं उतना प्रज्ञा दी को भी मिस कर रहे हैं। नहीं हाँ मुझे तो ये समझ नहीं आता कि बिना कुछ बोले वो हमारे दिल की बात कैसे जान लेती है।
देखिए, अगर दिल से दिल का कनेक्शन स्ट्रांग होता है ना, तो दिल की बात आसानी से समझी जा सकती है। और यही तो खास बात है प्रज्ञा दी में, वो बहुत कम समय में किसी से भी गहरा रिश्ता जोड़ सकती है। और हमारा ये रिश्ता भी उन्हीं की वजह से। शादी के 7 वचनों के साथ साथ मैंने उन्हें भी एक वचन दिया था। कौन सा वचन? यही कि मैं तुम्हें दिया हुआ हर वचन निभाऊंगा। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं शादी को नहीं, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी लूं और जिंदगी में कभी तुम्हें गिरने ना दूं। अब चलें। ध्यान से। अगर आप कहो तो इस पूरब ने मैं उड़ा दूं के नाना बल्ली, दिमाग खराब हो गया कि तेरा? उस पूरब को पश्चिम में मैं ही अस्त करूंगा, समझे? ये फाइल यहाँ रख दी, और कुछ चाहिए? हाँ, वो मेरा वॉलेट। और कुछ? हाँ, वो मेरा रुमाल। मेरे शूज। शूज भी पूरब लाता है? मैं कह रहा था कि शूज मैं ले लूंगा। मेरे ब्रेसलेट्स। अरे हाँ, का काम तो हो गया। अगर प्रज्ञा होती तो क्या करती? प्रज्ञा? अगर प्रज्ञा होती तो शुरुआत में पहले छप्पी लेती, फिर उसके बाद। अरे पप्पी, पप्पी कौन लेगा? अब तो आप मानते हैं ना, ऐसी जगहों से भी अच्छी शॉपिंग हो सकती है। हाँ, हो तो सकती है, लेकिन अगली बार तो हम मॉल में चलेंगे। क्यों, आपके पैसे बचाए, आपको अच्छा नहीं लगा? अरे बिल्कुल अच्छा लगा, लेकिन इस बार मैंने तुम्हारी बात मानी है, तो अगली बार तुम मेरी मान लेना। जैसा आप कहे। पूरब जी, पूरब जी, क्या हुआ? ये पर्स मैं दादी के लिए ले लूं? अरे दादी के लिए पर्स कहीं और से ले लेंगे, अभी जल्दी चलो। अरे अरे रुकिए। अरे अब क्या हुआ? अरे रुकिए, मेरी ड्रेस अटक गई है। I'm so sorry, so sorry. मुझे पता नहीं था। रुको रुको, मैं निकाल देता। भाई साहब, ये दोनों सामने आ गए। साले मेरी तो आंखें फूट गई है ना, मैंने तो दिख ना रहा। लो, निकल गई ड्रेस। हाँ। So sorry. कोई बात नहीं पूरब जी, ओके चले। हाँ चलते। एक मिनट, अब क्या हुआ? नहीं देख रही हूँ, कुछ भूल तो नहीं गई? तुम्हारा अभी भी शॉपिंग करने को मन कर रहा है क्या? नहीं नहीं, और शॉपिंग नहीं, पर एक चीज रह गई है। अब क्या रह गई? नहीं, वो सरप्राइज है आपके लिए। सरप्राइज है, पर यहाँ से नहीं, कहीं और से खरीदूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो यहाँ से चलो प्लीज। हाँ चलिए ना। अब इस पूरब ने
खत्म क्यों नहीं कर देते? अब किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? अरे बाबड़ी पोछ, तने दिखाई ना दे रहा। दिशा भाभी। हाँ, तो पूरे बकेदार तक के दिशा ने भी मार दूँ मैं। समझ ना आ रहा तुझे? राणा भाई साहब, जे मारा दिमाग अब कितना तेज क्यों नहीं चलता है? क्योंकि मेरा नाम संग्राम है और तेरा नाम बल्ली, इसलिए दिशा को एक बार पूरब से अलग होने दे, फिर देख मैं पूरब को कैसे मारता हूँ। जी दिशा भाभी, अगर पूरब से अलग ना हुई तो? अरे साले तेरी शक्ल अच्छी ना, तो कम बात तो अच्छी कर लिया कर। दिशा उस पूरब के साथ नहीं, मेरे साथ ही अच्छी लगती है, इसलिए वो उससे अलग जरूर होगी। पता नहीं जी दिशा भाभी इस पूरब से कब अलग होगी, मारे को तो भूख लग रही है। पूरब जी एक मिनट रुकिए। अब क्या हुआ? अब प्लीज ये मत कहना कि तुम फिर से कुछ भूल गई। मैं सचमुच में कुछ भूल गई हूँ। क्या? भगवान को थैंक यू बोलना। भगवान? देखो दिशा, भगवान को घर जाके थैंक यू बोल लेना, क्योंकि यहाँ आसपास कोई मंदिर नहीं है। मंदिर की जरूरत नहीं है। फिर थैंक यू कैसे बोलोगी भगवान को? आपने वो सुना होगा ना, मंदिर का रास्ता बहुत दूर है, चलो किसी भूखे को खाना खिला दिया जाए। वो देखिए, तो लाइए पैसे दीजिए। जी ये लीजिए। थैंक यू। तुम जाके उनको खाना खिलाओ, तब तक मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। ओके, मैं आती हूँ। भाई साहब, जी दिशा भाभी तो पूरब से अलग हो गई, अब पूरब अकेला है। मैंने कहा था ना, आज किस्मत हमारा ही साथ दे रही है, अब दिशा तो मेरे साथ ही जाएगी। मेरी लाइफ में आने के लिए थैंक्स दिशा। मैं इससे ज्यादा ना कुछ मांग सकता था और ना ही इससे ज्यादा मुझे कुछ मिल सकता था। पूरा मने आज बुला लो। ये तो गया आज भाई, ये तो गया। सीरियसली दिशा, तुम ये सब जो कर रही हो, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं भी आ गया तुम्हारी हेल्प करने। चलो साथ में खिलाते। पूरब जी आप जाइए, गाड़ी निकालिए, मैं कर लूंगी। बस बस, दो मिनट आप जाइए। Guys, see you tomorrow. Bye. आपके सारे काम हो गए ना? सारा काम हो गया? हाँ, मतलब आपको जितने काम पूरब से थे वो हो गए, अब मुझे दिशा के भी सारे काम खत्म करने, और दादी ने भी किसी काम से बुलाया। हाँ, तुम दिखती आधी हो लेकिन पूरे बटालियन का काम कर लेते हो। आधी जोक था। जोक था? इस बात पे हंसी ना आए उसे जोक नहीं कहते। ठीक है, तुम बता दो कि तुम्हें कौन से जोक पर हंसी आता है, तुम्हें वही जोक सुनाऊं। क्या टाइम पास कर रहे हैं, मुझे काम है बहुत। सुनो, तंग मत कीजिए ना, सच्ची बहुत काम। ओके ठीक है, तो तुम मुझे ये बताओ कि वो दिशा और पूरब का है। डेट पे गए। डेट पे गए? पूरब जी हटिए वहां से, हटिए पूरब जी, हटिए प्लीज वहां से हटिए।
डेट पे? हाँ, मैंने जबरदस्ती भेजा, सारा दिन काम में लगे रहते, खुश होंगे दोनों। ना लकी बॉय, आप क्या मुंह लटका रहे? लटकाऊंगा ही ना, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, वो दोनों डेट पर गए, सैड नहीं होऊंगा तो क्या होऊंगा? फोन कर लीजिए उनको, आपका मूड ठीक हो जाएगा। छोड़ो ना, वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्या कर रही हो? डिस्टर्ब करना तो बनता है, थोड़े मजे हमें भी लेने चाहिए। अच्छा, मैं ऐसे भी हूँ? जी नहीं, ऐसी नहीं हूँ, मैं फोन कर रही हूँ ताकि पता तो चले ठीक है या नहीं। फोन नहीं उठा रहा। दिखता भोला है, इन सब मामलों में बहुत शातिर हो, इसलिए अपना फोन साइलेंट पर रखा होगा। मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, टेंशन हो जाती है ना, सिर्फ फोन नहीं उठा रहा। टेंशन ले रही हो या दे रही हो? लोग रिलैक्स करो, तुम छोड़ो ना जाने, तुम देखो शायद दादी को कोई काम मांगना हो। हाँ, मैं देखती हूँ। उसके पहले सुनो। नहीं काम। अरे सीक्रेट बताना था एक, झप्पी हो गई पप्पी रह गई। यार ये मेरा भी फोन नहीं उठा, सब ठीक तो है ना? क्या अभी तू भी ना नेगेटिव मत सोच, वो बस अपनी डेट एंजॉय कर रहा होगा यार।